एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना पैसा था कि वो जो चाहे खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की। इतना अपार धन होने के बाद भी उसने अपने लिए भी कभी धन का उपयोग नहीं किया, ना कभी अपने पसंद के कपड़े पहने, ना अच्छा भोजन किया, और ना ही अपनी इच्छाओं और अपने सपनों को पूरा किया। वह सारी जिंदगी बस पैसे कमाने में ही बिजी रहता था, और पैसे कमाने में वह इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका बुढ़ापा आ गया और वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। इस तरह आखिर वह दिन भी आ गया जो उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन था, और उस दिन उसे लेने के लिए मृत्यु खुद आई। मृत्यु ने उस व्यक्ति से कहा, तेरा अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मृत्यु की यह बात सुनकर वह आदमी बोला, अरे मैंने तो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जिया भी नहीं है। मैं तो पैसा कमाने में, काम करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि मुझे अपने पैसों का उपयोग करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन अब उन पैसों को खर्च करने का मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन मृत्यु ने उससे कहा, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती। तुम्हारी ज़िंदगी का सारा समय समाप्त हो चुका है और अब उन दिनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। मृत्यु की इस बात को सुनकर उस आदमी ने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तुम चाहो तो मैं अपना आधा धन तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एक साल दे दो, मुझे एक साल और दे दो ज़िंदगी को जीने के लिए। लेकिन मृत्यु ने कहा, ऐसा संभव ही नहीं है। इस पर उस आदमी ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अपना 90% धन तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक महीने का समय दे दो जिससे मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, अपने सपनों को जी सकूँ, जिन कामों को मैंने कल पर टाल रखा था वह सारे काम कर सकूँ। लेकिन मृत्यु ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक महीने का समय नहीं दे सकती। फिर उस आदमी ने कहा, तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे एक दिन का समय दे दो। तब मृत्यु ने उसे समझाया, एक दिन का क्या, मैं तुम्हें एक घंटे का भी समय नहीं दे सकती। फिर मृत्यु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने समय से धन को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन धन से समय को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी की दौलत देकर भी अपने लिए एक दिन भी नहीं खरीद सकता, तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज वो समझ चुका था कि ज़िंदगी का मोल धन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, यह कहानी हमारी ही ज़िंदगी से जुड़ी है। हम लोग भी सारी ज़िंदगी ऐसे दौड़ते रहते हैं कि एक दिन ज़िंदगी में जिएंगे, भविष्य में कभी आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी बस दौड़ने का, भागने का अभ्यास करते हैं, और जो अभ्यास ज़िंदगी भर किया जाता है वही अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। बहुत सारे लोग जो रिटायर हो चुके होते हैं अपने काम से, लेकिन उसके बाद भी उनका यह अनुभव रहता है कि हम भले काम से रिटायर हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी में आराम नहीं है, क्योंकि हमारे मन ने ज़िंदगी भर भागने दौड़ने का अभ्यास किया है, तो आज भी हमारा मन दौड़ता ही रहता है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह शिक्षा ले सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी ज़रूरी है ना, उसे कल पर मत डालो, उसे आज ही कर डालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम हमेशा आज में जीते हैं। कल तो सिर्फ हमारी योजनाओं, हमारी बातों में है, शब्दों में है, वास्तविकता में तो कल कभी आता ही नहीं। भले आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, आप पैसा कमाओ, कामयाबी को हासिल करो, पर इन सब चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भी मत पड़ जाना कि आप ज़िंदगी को जीना ही भूल जाओ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।